हेलो होटेलियर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सेलर मैन, स्टीवर्ड, डिस्पेंस मैन, बार और सोमेलियर्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, कि इनके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सेलर मैन और स्टीवर्ड्स क्या होता है। एक्चुअल में दोस्तों, सेलर मैन स्टीवर्ड्स वो होता है ना जो अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए ना दोस्तों परमिशन देता है। जैसे कोई भी अल्कोहलिक स्टॉक्स रहता है दोस्तों, उसको परचेज करने का परमिशन रिक्वेजिशन फॉर्म हमको सेलर से ही मिलता है। उसके परमिशन के विदाउट हम कोई भी अल्कोहल स्टॉक को जमा नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में दोस्तों कुछ ड्यूटीज़ है उसकी, वो बताने वाला हूँ क्या क्या करता है। देन दोस्तों आपको डिस्पेंसमैन बार की ड्यूटीज़ बताने वाला हूँ कि उसके क्या क्या ड्यूटीज़ है दोस्तों। और सोमेलियर्स तो आप सबको पता ही है दोस्तों कि सोमेलियर्स वो होता है जिसको वाइन का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ वाइन होता है दोस्तों, उसको सोमेलियर्स बोलते हैं। तो यही सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। बिना देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। हम अपने वीडियो पर और यहाँ से देख सकते हैं कि सेलरमैन बेवरेज स्टीवर्ड के रिस्पॉन्सिबल्स किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो पहला ही इसमें आता है दोस्तों, परचेसिंग, स्टोरिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग वाइन्स एंड लिकर्स। जो लिकर्स और वाइन्स रहते हैं दोस्तों ना, उसको परचेस करना, स्टोर करना, रिसीव करना और इशू करने का काम हमारा सेलरमैन का रहता है। ही मस्ट हैव थ्रू नॉलेज ऑफ वाइन स्पिरिट, करंट ट्रेंड्स इन द मार्केट, कंट्रोल सिस्टम एंड एंटायर बेवरेज ऑपरेशन। उसको पूरा मतलब जानकारी रहना चाहिए, वाइन्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, करंट ट्रेंड जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसका, कंट्रोल सिस्टम का और एंटायर बेवरेज ऑपरेशन, जितना बेवरेज ऑपरेशन है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। नो ड्रिंक शुड बी इशू विदाउट ऑथराइज रिक्वेजिशन। कोई भी ड्रिंक इशू नहीं होता विदाउट इसके सेलरमैन स्टीवर्ड्स या फिर बेवरेज स्टीवर्ड्स के रिक्वेजिशन के दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एम्प्टी बॉटल मस्ट बी रिसीव बाय द सेलरमैन वाइल इशूइंग स्टॉक टू प्रिवेंट पॉसिबल माल प्रैक्टिस एंड मिसयूज। जो एम्प्टी बॉटल्स रहती है ना दोस्तों, वो रिसीव करता है सेलरमैन जब इशू करते हैं स्टॉक ना, पहले एम्प्टी बॉटल का काउंट लेता है, देन दोस्तों वो स्टॉक को क्लियर करता है। क्योंकि माल प्रैक्टिस और मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, और लेकर आप सबको पता है कि अगर आप होटल में हैं तो ये सब होता है, तो ये सब भी ध्यान देना रहता है। और अगर आप बहुत शाणे हैं तो आप झोल कर सकते हैं दोस्तों। मेरा डायरेक्ट है कि झोल करने में ना बहुत सारा आइडिया रहता है, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन बहुत सारे आइडिया से आप अरेंज कर सकते हैं लिकर्स। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ही मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कॉर्की वाइन्स एंड अदर रिटर्न बॉटल फ्रॉम द सेलर फ्रॉम रिटर्निंग दम सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट। उसको ना रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वाइन्स का कॉक रखना पड़ता है, कॉर्की वाइन्स और अदर रिटर्न जितने भी बॉटल्स रिटर्न हुए रहते हैं सेलर से दोस्तों, उसको रिटर्न करके फिर सप्लायर को रिप्लेसमेंट के लिए रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ता है दोस्तों। इट इज़ बार सिचुएटेड इन रेस्टोरेंट सर्विंग एपेटाइज वाइन स्पिरिट एंड लिक्वर्स। जो सेलरमैन का रहता है दोस्तों, वो रेस्टोरेंट्स के नियर बाई ही सिचुएटेड रहता है, जहाँ पे आपको वाइन स्पिरिट और लिक्वर्स आसानी से मिल सके दोस्तों। तो अभी हमारा नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पेंस बारमैन दोस्तों। डिस्पेंस बारमैन के कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो देखते हैं दोस्तों कि वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर ऑपरेशन ऑफ द डिस्पेंस बार ऑपरेशंस एंड ही इज रिपोर्ट टू द हेड बारटेंडर और मैनेजर। वो एंटायर ऑपरेशन जितना भी रहता है दोस्तों डिस्पेंस बार ऑपरेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और डायरेक्ट हेड बारटेंडर या फिर बार मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो पहला आ गया दोस्तों मेंटेनिंग डिस्पेंस बार विथ स्टॉक गिवन इन वाइन लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट। जो वाइन लिस्ट रेस्टोरेंट के वाइन लिस्ट में जो वाइन दिए रहते हैं दोस्तों, उसको मेंटेन करना डिस्पेंस बार पे दोस्तों, स्टॉक मेंटेन करना, रिसीविंग स्टॉक फ्रॉम बार अगेंस्ट रिक्विजिशन, रिटर्निंग एंड एम्प्टी बॉटल्स। जो स्टॉक को रिसीव करना और जो एम्प्टी बॉटल्स रहते हैं दोस्तों उनको रिटर्न करना, सुपरवाइजिंग सोमेलियर्स, जो सोमेलियर्स रहते हैं उनको सुपरवाइजिंग करना, इशूइंग वाइन टू सोमेलियर्स अगेंस्ट BOT। जो वाइन्स रहते हैं दोस्तों वो इशू करना सोमेलियर्स को BOT के हिसाब से दोस्तों, पावरिंग रिक्वायर्ड मेजर ऑफ ड्रिंक अगेंस्ट BOT फॉर सोमेलियर टू सर्व गेस्ट एट द टेबल। जो रिक्वायर्ड मेजर्स ऑफ ड्रिंक जरूरी रहते हैं ना दोस्तों, वो पावर करना अगेंस्ट BOT के हिसाब से सोमेलियर को देना और गेस्ट के टेबल पर दोस्तों। मेंटेनिंग पास स्टॉक लेवल, जो पास स्टॉक का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम भी हमारे डिस्पेंसमैन बार का होता है। और यहाँ से आते हैं दोस्तों,
टेकिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग के स्टॉक्स रहते हैं उनको रिकॉर्ड करना, मेंटेनिंग एम्प्टी बॉटल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना दोस्तों, डिस्पेंस बार रहते हैं उसको क्लीन करना, प्रिपेयरिंग सेल्स रिपोर्ट, जो सेल्स रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना। तो ये हमारे दोस्तों सेलर का हो गया, और बेवरेज स्टीवर्ड या फिर सेलरमैन और डिस्पेंसमैन बार दोनों का ड्यूटीज हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे सोमेलियर्स के, तो सोमेलियर्स के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सोमेलियर्स का बहुत ही सिंपल रहता है, वाइन वेटर बोलते हैं जिसको हम, डिजिग्नेशन इज फाउंड इन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, यह डिजिग्नेशन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ पे वाइन सर्व होते हैं फूड के साथ दोस्तों। सोमेलियर्स को एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वाइन्स एंड स्टैंडर्ड सर्विस प्रोसीजर, जो सोमेलियर्स रहते हैं ना दोस्तों उनको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा रहता है वाइन का, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है ना उसका नॉलेज रहता है। तो अभी आ गए उनके ड्यूटीज़ पे दोस्तों, प्रेजेंटिंग द वाइन लिस्ट टू द गेस्ट, जो वाइन लिस्ट रहता है वो गेस्ट को प्रेजेंट करना, ऑफरिंग वाइन सजेशन इफ रिक्वेस्टेड, ऑफरिंग वाइन ऑफर करना, सजेशन देना अगर रिक्वेस्टेड रहे तो दोस्तों, ऑर्डर तो लेना रहेगा ही दोस्तों, कलेक्टिंग वाइन अगेंस्ट बीटी फ्रॉम डिस्पेंस बारमैन एंड सर्विंग टू द गेस्ट, जो वाइन से रहता है दोस्तों वो डिस्पेंस बारमैन से लेके कलेक्ट करना और सर्विस करना दोस्तों। देन आ गया दोस्तों कलेक्टिंग पाउड आउट स्पिरिट एंड सर्विंग, दोस्तों जो कलेक्टिंग पाउड आउट रहता है स्पिरिट्स दोस्तों उसको कलेक्ट करना और सर्व करना, लिकर्स एट द एंड ऑफ द मील, लिकर्स सर्व करना मील के बाद दोस्तों, और टेबल को क्लियर करना, जो टेबल रहता है वो क्लियर करना। अब यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा है दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, दो सोमेलियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ वाइन सिगार एंड सिगरेट, दे में ऑल्सो हैव सर्व्स ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इन सम रेस्टोरेंट, कुछ रेस्टोरेंट में ना सोमेलियर्स को हर एक चीज़ सर्व करना पड़ता है, मतलब अदर टाइप्स ऑफ वाइन सर्व करना पड़ता है दोस्तों। तो यही कुछ हो गया हमारा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का सबका ख़त्म हो गया दोस्तों, इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ पढ़ाया है। तो दोस्तों इसी तरह ना पूरा मतलब पूरा मैंने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कहीं भी चाहिए ना दोस्तों तो प्लेलिस्ट में से ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं दोस्तों। सब हर एक डिपार्टमेंट का मतलब जो जो मुझे बन पड़ा दोस्तों, मैंने हर एक डिपार्टमेंट का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता दिया है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और स्पेशली आप सबके लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है, अगर आप सेकंड ईयर में हैं ना दोस्तों तो भी आपको इस सब का नॉलेज रहना चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, जैसे कुकिंग का हो गया, फिर वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, हर एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, उनका मेकिंग प्रिपरेशन कैसा रहता है, कैसा बनता है दोस्तों, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों। बाय बाय।